हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सुरेश सोलंकी, आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप जानते हो कि रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे का जो एग्जाम आ गया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन लिए हैं, चाहे CBT 1 हो CBT 2 हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो बोला है राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपये हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है तो राम और रहीम, तो ये एक काम करो, इसमें तो रेशो ही निकाल लो। ठीक है, राम और रहीम का दोनों का RR से ही हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लिख लेते हैं ये राम और ये दूसरे को तो रहीम ही है, करो। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये जो है यदि राम के पास एक तिहाई जो राशि है वो किसके बराबर है, 2/5 जो है रहीम के, आर को इसको रहीम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये राम और रहीम का रेशो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होएगा 6/5, तो इनकी जो यूनिट जो होगी क्या होगा 11 यूनिट होगी। 11 यूनिट की वैल्यू हमको शायद दे रखी है कितनी, ये 1210। ठीक है, तो 11 से आपको मालूम है कि ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 110। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 110। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो रहीम के पास कितनी है, तो रहीम के पास ये है हमारे पास रहीम, तो अपन कर देते हैं 110 का मल्टीप्लिकेशन, यानी 11 × 55, तो ये 510 आ जाएगी ये। ठीक है, याद रखना किसका पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी एक काम को क्रमश 12, 16, 48 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, फिर सी छोड़कर चला गया जिसके स्थान पर ए आ गया, तो शेष काम कितने, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए काम कर रहा है हमारे 12 दिन में, बी काम कर रहा है हमारा 16 दिन में, और सी काम कर रहा है हमारा 24 दिन में। एलसीएम ले लें, एलसीएम छोटा ही ले लें, 48 ले लेते हैं, तीनों से कटने वाला जी, और जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, 12 × 48, 16 × 48, 24 × 48। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि चार दिन तक बी और सी काम करते हैं, बी और सी यानी कि 3 और 2 5 इनकी इफिशियंसी है, 4 दिन काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 20 यूनिट काम करेंगे, यानी कि अब हमारे पास 48 में से 20 यूनिट तो हमारे पास हो गया, और क्या बचा 28 यूनिट को कौन काम करेगा, वो गया सी चला गया, सी के स्थान पे ए आ गया, यानी कि ए और बी करेंगे, तो ये ए और बी जब भी यूनिट को करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए की इफिशियंसी हमारे पास 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, और इनको टोटल काम क्या करना है ये 28 तो ये क्या करना है 4 दिन, तो बी ए और बी जो करेंगे शेष काम को पूरे, देखो ये लिखा है शेष काम, अगर पूरा काम होता तो हम बोल सकते 4 और 4 8 में होता, पर लेकिन उन्होंने शेष काम बोला है तो 4 दिन में ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो हाँ दादा, एरिया ऑफ स्क्वायर इसने ये दे दिया, फाइंड द मेजरिंग ऑफ ईच साइड, आपको मालूम है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो क्या होता है, वो ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर के बराबर है, तभी तो बोला एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर इन्होंने दिया, तो ईच साइड आपको फाइंड करनी है, थोड़ा स्मार्टली खेल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9x² और 72x + 16, ठीक है, बराबर 0 के ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहीं ना कहीं ये 9x का स्क्वायर हो रहा है, मैं ये देख पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। अब देखो ये क्या हो गया, 9 × 36 = 72, यानी कि ये क्या हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर बनना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करूंगा तो बनना है, तो मेरे पास क्या हो, मैं ये लिख सकता हूँ कि 9x + 4 का होल स्क्वायर हो रहा है ये। ठीक है, 9x + 2 का होल स्क्वायर हो रहा है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, यानी कि साइड तो मेरी ये आ गई है, यानी कि मेरे पास साइड जो होगी, मेरे पास जो है ए की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये है, पर लेकिन देखो हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लिया भैया। ठीक है, 9x / 2 है, और ये क्या किया 2 इसने ये कॉमन ले लिया, तो देखो अब इसको 2 से 2 कट जाएगी तो 2 हो जाएगी, और 2 को इसमें तो 4 करूंगा, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, बस स्मार्टली आपको ये खेलना है। ऑप्शंस उसने दे दिया है, बस एक तरीके से ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शंस होगा। यहाँ का क्या किया उसने, 2 कॉमन ले लिया एक तरीके से, इसमें से मैं 2 कॉमन का मतलब 2 से डिवाइड इस तरफ भी कर दो, इस तरफ भी कर दो। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, HCF ऑफ, यानी कि ये नंबर दिए हुए हैं 16, 83, 22, 44 और 5049, ये हमारे पास नंबर दिए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट। देखो कभी भी कोई एक मिडिल नंबर, एक छोटा नंबर का हम क्या ले लेते हैं, जब भी इनका डिफरेंस लेते हैं वो हमारा एस सी एफ होता है, ये थ्योरी कहती है, यानी कि 2, 2, 4, 4 में से हम क्या करेंगे 1683 माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया 1, 14 में से 8 गई तो 6, और 12 में से 7 गई तो 5। ठीक है,
यानी कि ये जो HCF होगा, यानी कि ये जो HCF आया है ये होगा या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मैंने मान लिया कि ये HCF है, अब क्या होगा, HCF होगा वो इससे भी डिविजुअल होगा, इससे भी डिविजुअल होगा और इससे भी डिविजुअल होगा। तो ठीक है, मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे ये है देखो इसका ये तीन से है तो एंड में लास्ट डिजिट तीन है, तो इसका तीन से मल्टीप्लिकेशन करके देख लेता हूँ। तीन एक तीन छत्तीस, अठारह पांती पंद्रह, एक सोलह, देखो ये हो गया, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि ये डिविजुअल है, यानी कि एक डिविजुअल है तो वो सबरी होगी। तब भी एक बार और क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ चार से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चार छः चौक चौबीस की चार, ऐसे लगी तो पाँच चौक बीस और दो बाईस, देखो ये भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसी आप हमने निकाला ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं नाइन से, तो नौ एकम नौ, नौ छक्के चौवन की चार, हासिल लगी पाँच, नौ पंजे पैंतालीस और पाँच पचास, तो ये हो गया, यानी कि ये हमारा HCF आ गया। अगर नहीं होता तो इससे क्या करना पड़ता हमको, इसका मल्टीप्लिकेशन या कोई ना कोई फैक्टर या कॉमन हमको ये देखना पड़ता। सॉरी, अब क्या हुआ, ये हो गया हमारा। अब ये पूछ रहा है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंकों का योगफल, यानी कि एक्स है एक तरीके से, HCF हमारा एक्स है, अंकों का योगफल क्या होगा, पाँच अच्छा ग्यारह एक बारह, तो ये क्या हो गया, बारह होगा। अंकों का योग क्या होगा आपका, बारह होगा। NTPG CBT 2 में आया, ये याद रखना, CBT 2 के ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है, स्लाइंट हाइट ऑफ ए कॉन, ठीक है स्लाइंट हाइट की बात कर रहे हैं, स्लाइंट हाइट की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में पीछे भी अटके थे अभी भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, फिगर ऐसा हो गया, स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट हमारी ये होती है वो 32 मीटर दी हुई है। फाइंड एंड डायमीटर ऑफ बेस, देखो डायमीटर 48 दिया है तो मैं इसको 24 लिख देता हूँ, बच्चों वाली बातें नहीं होगी। फाइंड टोटल सरफेस एरिया कौन, पहली बात तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन पता होना चाहिए, वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 22 बटे 7 लेना है, जो कि बोला भी है, तो हमने क्या लिया, 22 बटे 7 ले लिया, क्या हो गया, 22 बटे 7 हो गया। ठीक है, और आर हमारे पास क्या है, हमारे पास 24 है, और ये क्या हो गया, एल और प्लस आर, एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर को जोड़ेंगे तो 32 और आपका क्या हो जाएगा, 24, तो ये क्या हो जाएगा, 656 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 7856, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, 22 इंटू 24 इंटू 8, ये हो गया। ठीक है, पहली बात तो ऑप्शन से देखेंगे, ये वाले ऑप्शन तो हटा ही दो पहली बात तो, और ये देखो देखो पीछे जो भी 4 आ रहा है, यानी कि ये जो है 11 है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो 11 दूनी 22 होता है, तो ये 11 का मल्टीप्लिकेशन बनना होगा, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन बनने के में क्या होता है कि जो उसका अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो आंसर होगा आपका बी। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 और 2 6 और 4 और 4 8 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसको 11 से डिविजुअल करके देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं डिविजुअल करके देख लेते हैं, 11 तीय 33, वैसे तो वो है 11 तीय 33, तो ये क्या बचा, ये क्या बचा हमारे पास 9 बचा, 12 में से 3 की तो 2, तो ये क्या बचेगा हमारे 11 अट्ठे 88 और ये क्या बचा 4, 11 चौक 44, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारा 11 का मल्टीप्लिकेशन है और यही इसका आंसर है। आप चाहे आपको करके भी देख लेना है तो देखो तब भी आएगा, या आप डिजिटल सम भी लगाओ, क्योंकि डिजिटल सम भी लगाओगे तो देखो ये भी क्या हो रहा है, 4 वो 6, 6 चौ 12 यानी कि 3, तो ये कहीं ना कहीं 3 डिजिटल सम होगा। देखो ये क्या हो गया, 4 6 और यार 6 चौक 24, 24 जो क्या हुआ, 6 चौक 24 यानी कि 6 हो गया यहाँ पर, 8 छंक 48, 48 यानी कि 8 4 12, 12 यानी कि 3, तब भी हो रहा है ना, 8 4 12, ठीक है जो 3 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपको मालूम है समांतर चतुर्भुजें ये होती हैं, ठीक है ये पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, और ये 18 और आपको क्या दिया है आपका 15 दिया है, एंड द परपेंडिकुलर जो दे दिया है, ठीक है परपेंडिकुलर दे दिया है आपको, परपेंडिकुलर भी दे दिया 12 का, ठीक है, और डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है, एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया देखो क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, यानी कि आपके पास क्या हो गया 18 और 12, तो ये क्या हो गया 10, तो ये 30, तो ये हो गया, ठीक है 30, और हाइट हम ले लेते हैं 12, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 6 36 18, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही तो होता है, पैरेलल साइड्स होता है, हमने ये गलती कर दी है, 12 नहीं है 15 है, 12 नहीं है हमारे पास, 15 है ये, ठीक है ये 15 है, क्योंकि हमारे पास जो क्या दिया 18 और 15 दे रखी है, 18 और 15 दे रखी है, 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, तो ये 33 हो गया। ठीक है, 33 इंटू 6 कर लेते हैं, 33 इंटू 6 कर लेंगे तो ये क्या होगा, 36 18 की 8 198 ऑप्शंस में भी है, ठीक है ये भी है। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ट्रेपेजियम का, जो एरिया निकालने का ये होता है ना,
वो होता है जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, हाइट है ये, क्या होता है हमारा समांतर, ये सॉरी ट्रेपेजियम, ठीक है ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी कंपाउंड इंटरेस्ट से तो काफ़ी टफी क्वेश्चन आए हुए, मैं तो ये कहूँगा गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, ठीक है। राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए अवधि के लिए निवेश की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की चक्रवर्ती आधार 8 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि में अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि आएगी, यानी कि ब्याज का डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले हम पर ये काम करते हैं, राम के लिए निकाल लेते हैं, राम के लिए निकाल लेते हैं, राम के लिए एक काम करते हैं, प्रिंसिपल तो सिंपल ही है, राम के लिए क्या है प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये है और रेट दे रखी है आपको 30 की, ठीक है। तो 30 का मतलब क्या है, हम ये भी कह सकते हैं 10 से क्या हो रहा है आपका 13 हो जाएगा, और वो 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टाइम जो दिया है हमको 2 साल के दिया है, यानी कि या ये भी कर सकते हैं, हाँ हमको क्या है इंटरेस्ट निकालना है, तो कुछ नहीं है, 10 से 13 जा रहे हैं, तो आपको मालूम है ये 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 2 बार करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कह सकते हैं ये 100 हो गया और ये क्या हो गया 169 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, वो आ गई 69 मेरी क्या हो जाएगी इंटरेस्ट आ जाएगा, ये प्रिंसिपल होता है और ये आपको अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है ये हमारा क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये हमारा वो हो गया, और 100 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 8,000 दे रखी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी कि 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल ये इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कह देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो भी है ना, 2 जीरो 3 जीरो है ना, तो 1 जीरो हो जाएगी, चलो 80 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 69 × 8, ठीक है, 9 8 72 की 2 हासिल लगी 7, 48 और 7 क्या हो जाएंगे आपके 55, ठीक है। तो ये हो गया 5,520 ये आ गया राम का इंटरेस्ट, ठीक है। अब कहानी यहाँ से बदलेगी, यहाँ से बदलेगी, ये थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आगे देखेंगे। बोले दीप्ति के लिए, दीप्ति के लिए क्या कह रहे हैं, दीप्ति के लिए प्रिंसिपल तो सेम ही है, पर लेकिन उसने क्या कहानी बोल दी है कि इसकी जो है रेट जो दी है, इसने जो रेट जो दी है वो 30% की तो दी है, पर लेकिन उसने क्या किया है 8 वर्ष की चक्रवर्ती उस पर करेंगे, यानी कि ये जो बोल रहे हैं कि 30 की जो है 30% की जो रेट है वो क्या कर रहे हैं हम 8 महीने के आधार पर कर रहे हैं, 8 महीने के आधार पर कर रहे हैं, पर हमको तो क्या करना है 12 महीने की निकालनी है, 12 महीने की निकालनी है ना, तो तभी तो पाएगा। और देखो और ये क्या हो जाएगा, अब आपका 2 साल का समय होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है आपका, मतलब 8 8 के आपके क्या बनेंगे 3 साल बन जाएंगे 8 8 के, तो ये क्या 24 महीने, क्योंकि 12 × 24 होता है, क्योंकि 2 साल बोले तो ये टाइम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। रेट के देखते हैं, रेट में क्या हो रहा है हमारा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारी 30% की वैल्यू 8 महीने बोला है, 12 महीने की हमको निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, ठीक है, ये इक्वल कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, ये इसकी रेट निकालने के लिए हम ये कर लेते हैं 30 × 12 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। ये इसमें हमने थोड़ी सी एक गलती कर दी है, एक मिनट देखो ये क्या कर रहे हैं हम, तभी तो हमारा 45 तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देखो इसमें क्या गलती कर दी है भैया, ये जो है 8 की तो निकाल ली है ना हमको, 8% की तो हमको कहाँ दी है, 8% के आधार पर तो हमको करनी है, ये जो अभी तक जो रेट दी थी 30% जो दी थी, जो हमने राम के लिए भी निकाला था वो 12 महीने की थी, तो ये जो रेट है वो 12 महीने की है, 30% की रेट है जो 12 महीने के लिए, अब हमको 8 महीने की निकालनी है, तो इसकी बोला है कि 8% चक्रवर्ती ब्याज पर करनी, इसलिए तो है। अब देखो अब इसमें क्या करें हम, तो ये कर सकते हैं 30 × 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या हो जाएगी एक्स की रेट आ जाएगी, एक्स रेट है एक तरीके से, ये रेट है हमारी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 4 × 8, 4 × 3 = 12, 3 × 30, तो ये क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या आ गई 20% की रेट आ गई। अब कोई दिक्कत ही बात ही नहीं, जब रेट आ गई तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, 20% की रेट आ गई, तो 20% का मालूम है कि 1/5 होता है ये, तो
ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1/5 होता है, यानी कि कोई चीज़ क्या होगी 5 से 6 हुई होगी और 5 का क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब है कि 3 साल का टाइम हो गया है यहाँ पर। देखो जेवा समझ में आई कि ये क्या किया हमने कि जो 30% की जो रेट दी थी वो तो इसके लिए भी थी, तो वो कितने महीने की थी, 12 महीने की, पर दीप्ति के लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट दिया गया जो कि बोला था 8 महीने पे की इसकी 1 साल बना दो, 8 महीने के लिए 1 साल बना दो, तो इसलिए क्या हो गया 8 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये क्या हो गया 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 216 में से 125 माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे 11 में से 9 ये हो गया 91। और देखो ये तो वैल्यू अब हमारे पास क्या है, ये जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी, वो तो सेम ही 8000, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि 125 यानी कि 8 × 10 × 100 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गया मेरा 125, 25 × 100, 25 × 125, 5 × 10, तो ये क्या हो गया 8 × 16, 16 × 64 यानी कि 91 × 64 करना पड़ेगा पहले, तो तब हमें कि ये जो राशि आएगी, ये जो राशि आएगी इसमें से हम माइनस कर लेंगे 55 20, तभी तो ये क्या होगा इसका डिफरेंस आएगा। चाहे तो आप देखो डीएस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर डीएस लगा लें हम 5, देखो पहले तो 3 और 2 5 4 2 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है इसका क्या हो रहा है 8, ठीक है ये क्या हो रहा है 5 भाई 7, चलो ये अच्छी बात है कि चलो डीएस किसी का नहीं मिल रहा क्योंकि अब सॉल्यूशन हो गया हमारा आसान। देखो आसान करने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, ये तो बचा 1 × 1 तो 6 × 4 = 10 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 10 = 12 यानी कि 3, तो ये क्या हो गया नेगेटिव का हमारा क्या आएगा 2 यानी कि 9 में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 यानी कि इसका आंसर आओगे 304। आप करके देख लो, ठीक है चाहे तो हम अपन ही करके देख लेते हैं, ठीक है 304 इसका आंसर आएगा। अब चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो हमने काटा पीटी की थी इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, बाकी तो एक माइनस ही करना है, बाकी तो कोई ऐसा कोई ये नहीं, हमारी तरफ से आंसर आ गया 304। अब देख लेते हैं, ठीक है अब हम ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, चलो ये अब हमको क्या करना है ये कर लेते हैं 64 × 91, ठीक है ये क्या हो गया 64 9 9 4 36 की 6 आंसर लगी 3, 9 6 54 54 और 3 57, ठीक है ये हो गया 4 6 6 12 की 2 आंसर लगी 1 8 और ये हो गया ये, ठीक है और इसका क्या हो रहा था हमारा ये हो रहा था 5 8 2 4, इसमें से क्या बताना है ये 4 2 2 और सॉरी 5 सॉरी ये जो है हमारे पास क्या है 0 है ना, ये तो 5520 तो है, हाँ तो 4 0 और ये 304 आ गया, ये आ रहा है, ये तो डिफरेंस है, ये तो निकालना था डी एस से निकाल ले, मानसा नहीं था बस और कुछ नहीं था यहाँ से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। खरीश नहीं है ये रवीश है एक्चुअल में, क्योंकि देखो यहाँ पर रवीश है ना, रवीश ठीक है कोई नहीं, रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसकी पुस्तक को केवल 5/5 पढ़ा, हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी पुस्तक के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष है, तो सोमा के रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये ले लेते हैं हम 4/5 यानी कि जो कि शेष क्या रह गया होगा, देखो शेष क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सॉरी एक मिनट, हमारे पास रिमेनिंग पेज देख लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग पेज से ही कहानी बनेगी, यहाँ पर 4/5 है, ऐसे तो ये भी नहीं करना चाहिए कि 5 है, तो 1/5 हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा, और वो किसके बराबर है हमारा 120 के बराबर है, तो हमने क्या बोले रवीश लिख लेते हैं इसको, चलो रवीश आर्या वो तो आरसी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है तो ये क्या हो गया रवीश ने क्या किया होगा, टोटल उसकी जो बुक होगी वो 600 पन्नों की होगी, ठीक है और इसने क्या किया 600 पन्नों में से 4/5 तो उसने पढ़ लिया, या शेष ही रख लेते हैं, क्या कह रहा है, चलो क्या कह रहा है वो, ठीक है अभी तो हम ये कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, यानी कि उसने कितने पूछना क्या चाह रहा है अपनी सोमा के पढ़े गए, हाँ तो इसमें से कितने पढ़ लिए इसने, यानी कि ये कर लेते हैं 12 × 5 = 60 12 × 4 = 48, ठीक है 480 पेज वो पढ़ चुका रवि जो है, 480 पेज पढ़ चुका। सोमा की कहानी देख लेते हैं, सोमा क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है 5/8 भाग पड़ा, 5/8 तो इसके शेष क्या बचेगा, इसका शेष करने के लिए ये कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 − 3/8 करेंगे, 3/8 की वैल्यू क्या दी है 120 दी है, ठीक है ये सोमा है इसको मैं वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो गया 4, ठीक है 4 बचा तो ये क्या हो गया 8 × 32, सोमा जो की वैल्यू है आपकी
320 है, इसने कितने पढ़ लिए, 320 का चार पाँच बटे आठ ठीक है, ये क्या बढ़ गया 8 चौक 32, तो यानी कि ये क्या बच गया 200 200, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है, तो हमसे ये तो पूछना चाह रहा है कि सोमा के रवीश के द्वारा पढ़े गए प्रश्नों की संख्या कितना हिस्सा पड़ा, तो सोमा ने कितने पढ़ लिए 200 और रवीश का, इनका रेशियो ही तो निकालना है, ये क्या हुआ 10 और ये क्या हो रहा है हमारे पास 24 और ये क्या बचा 5 और ये 12, ये हो गया 5 और 12, ये ऑप्शन है बस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये इसको सरल करना है, देखो इसको सरल करने के लिए पहली बात तो आप ये लॉजिक ये लगा सकते हो कि जो माइनस की संख्या है वो 2071 समथिंग है, तो पहली बात तो माइनस का आंसर आ रहा है, पॉजिटिव को तो आप वैसे ही हटा दो, ठीक है, 81 ये 2000 है, ये छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये 15000 है तभी 15000 है, तो 200 मान लो इसको 700 एक 800 तब भी निगेटिव वैल्यू आनी है, तो ये तो आंसर एलिमिनेट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें डीएस भी यूज़ कर सकते हो, पहले हम क्या करते हैं मेथड से देखेंगे फिर डीएस की बात करेंगे क्या होता है। तो देखो लास्ट के आप 4 डिजिट ले लो, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट किसी में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये तो ऐड करने वाले हैं हमारे, पहले ऐड वाले देख लेते हैं, ठीक है, 1.00 ये ऐड है तो हमारे पास 0020 ले लेते हैं, ये तो माइनस वाले अभी हटा देते हैं, ठीक है, माइनस क्या करना है, अब हमारे पास क्या है ये है 0900, फिर हमारे पास क्या है 42, इसको 00 लिख लेते हैं 02, 9 और एक 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 4 11 1 12, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है हमको ये 1900 1985 ये माइनस करना है, ठीक है, ठीक है, ये माइनस करना है तो ये कर लेते हैं 5891, ठीक है, 10 में से 5 की तो 5 है, 5 तो सब में ही है, 12 में से 9 गई तो 3 बच रहा है, यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही है, ये क्यों आ रहा है, ऐड करके माइनस ही तो होगा पॉइंट वाला 6, तो ठीक है, ठीक, हमने क्या गड़बड़ की है, 10 में से 5, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, एक थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, पहली बात तो ये जो है हमारे पास क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा, और भैया ये संख्या जो बड़ी है उसमें से माइनस करेंगे ना यार, ये जो संख्या बड़ी है ये तो माइनस का है ना, तो ये तो हमारा ये हो गया, अब ये क्या करेंगे एक्चुअल में, ये जो संख्या है हमारे पास एक्चुअल में ये जो है ना संख्या, इससे माइनस करेंगे, ठीक है, पॉइंट तो ये है ही हमारा, पॉइंट के बाद ये समझ लें, तो 0 2 2 2.1, 5 6 7 11 में से 2 गई तो 9, तो ये आंसर आएगा इस तरीके से, ये हम क्या कहें पॉजिटिव नंबर से घटाना है कि ये जो संख्या बड़ी है पॉइंट के बाद, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है हमारा पहला 9765 एक ही मिल रहा है। अब आप डीएस लगा लेते हैं, चलो आप अब डीएस की बात करते हैं, ठीक है, डीएस में हमारे पास देखो आंसर तो चलो यही बार आ रहा है, यानी कि पहले हम डीएस का सम देख लेते हैं, क्या हो गया 9 9, तो ये कट गया, ठीक है, 7 और 7 14 14 और 5 19, देखो 6, देखो ये भी एक तो 9 9 तो हम 28 देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया 7 7 13 14 14 5 19 19, यानी कि 1, इन सब का डीएस 1 आना चाहिए, हम ये कोशिश करते हैं कैसे, देखो 7 1 8 1 तो 9, तो 1 चला ही गया, काम खत्म, 7 1 8, ठीक है 8 हो गया, प्लस लिखेंगे 8 1 9 ये गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, पॉइंट बात कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का माइनस लगा लेते हैं, 7 और 2 9 ये गया, 8 1 9 गया, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, प्लस की प्लस चले तो ये तो 9 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे पास 9 लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, ये क्या हो गया 9 जे चला गया, 5 4 9 ये गया, 2 और 1 3 1 4, ठीक है, देखो 8 और 10 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 यानी कि 1, तो ये क्या बचा हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ से, ये हमारे पास क्या बच रहा है ये 2, ये तो 8 हो तो 10 हो गया, इसको एक काम कर लेते हैं 10 10 माइनस 6 प्लस 4, तो ये क्या बच गया 4, और ये क्या बचेगा हमारे पास 4 4 4 8 8 था हमारे पास, ये हो गया, और हमारे पास जो 9 था हमने जो किया था 9 में से 8 ही गएंगे तो 1 आएगा इस तरीके से। के की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर
शेषफल बराबर हो। ठीक है भैया, इसकी स्थिति में समान से मतलब क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, हमको मशक्कत करनी पड़ेगी। देखो क्या हो गया, ये नंबर है तो ईच केसेस में क्या हो गया, मतलब क्या बोला है कि रिमाइंडर आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4759 माइनस, ये करते हैं बड़ी संख्या में से इसको, ये माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम 7825 में से इसको माइनस करेंगे 4752 को। ठीक है, अब क्या करेंगे 7825 में से इसको माइनस करेंगे 2996 को। अब इसको माइनस कर लेते हैं, पहले माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, बड़ी डिजिट्स है ना, फिर उनका एस सी एफ भी तो लेना है 2996। ठीक है, 12 में से 6 गई तो 6, और 15 में से 10 गई तो 5, और 17 में से 10 गई तो 7, ये क्या बचा है, तो ये क्या बच गया हमारे पास 1756। ठीक, इसमें से ही फिर माइनस करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ही 5 लेते हैं उसी से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे 7825, 3 12 में से 5 गई तो 7, और ये तो 0 है हमारे पास, क्योंकि 8 ही 8 बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगा ये, तो हमारे पास क्या बचा 3073। ठीक है, अब फिर से माइनस करेंगे, इसी में से हम एक और डिजिट को और माइनस कर लेते हैं। ठीक, ये करेंगे हम 2996। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 9 6 15 होते हैं, 12 में से 10 गई तो 2, और 18 में से 10 गई तो 8, और 3 गई तो 4। ठीक है, ये क्या बच गया 4829। ठीक ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको अब इनका क्या लगना पड़ेगा, हमको एस सी एफ लेना पड़ेगा। एस सी एफ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था वही कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब जो माइनस करेंगे 37, ये है 1756, इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 13 में से 6 गई तो 7, और 7 में से 6 गई तो 1, और 10 में से 7 गई तो 3, 2 गई तो 1, 1317। बड़े में छोटे के, तो ये हमारा एक तरीके से एस सी एफ आ गया। अब ये आ गया 1317। ठीक है, एस सी एफ आ गया। अब ये क्या होगा, अब इनका गुणनफल, गुणनफल तो इतना तो होगा नहीं, क्योंकि है ना, अगर इनका गुणनफल करेंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी का फैक्टर जरूर होगा, ये फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, 7 21, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 3 एकन 3 7 21, यानी कि ये नहीं है, कहीं ना कहीं और छोटा या कुछ ना कुछ और नंबर होगा, पर लेकिन एक काम करते हैं, ये किसी का मल्टीप्लिकेशन बनना होगा जो कि इसी में होगा, तो एक काम कर सकते हैं, देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 3 से डिविजुअल लग रही है, 3 6 9, तो 3 से इसको 3 से डिविजुअल करके देखते हैं, 3 से डिविजुअल करके देखेंगे इसको, अगर 3 से डिवाइड देंगे तो हम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं 3 चौक 12, बच्ची 1, 3 त्रौक 9, और बची 2, हाँ 3 आम 27, यानी कि अब इसका ये फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 3 into, ये जो फैक्टर है 439 का हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये बस, अब तो अब डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, पहले एयर ऑप्शन में होता तो हम यही कर लेते, अब इसका केवल मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, तो 4 3 into 9, तो ये क्या हो गया, 4 3 12 12 9 108, ये ऑप्शन में भी है। ठीक है, 12 9 108, ये इसका आंसर होगा, ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है, ये तो एवरेज पूछना चाह रहा है, तो देखो 10 के बाद पहली क्या होगी, 11 13 15 17 19, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, वैसे मीन वैल्यू जो 15 होती है वही होगा इसका आंसर। देखो अब हम क्या करते हैं, फाइंड द मीन ऑल प्राइम नंबर, क्योंकि उसके 19 का देख के जाएंगे तो वो तो होगी नहीं, 19 के बाद हमारी 19 तक ही तो रहेगी, 19 22 तक के बीच में बोल रहा है, तो फिर इस वाले सवाल में क्या होगा, भाई ये जो 15 है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम है, तो मीन क्या होगा 15, वैसे आप ऐड करके भी डिवाइड करोगे तब भी बात बराबर ही है। ठीक है, ये क्या करेंगे हम,
ये क्या कहती है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कविता ने 4,000 की एक राशि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की, 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को कितना ब्याज मिश्र धन मिलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12.5 ठीक है, कोई दिक्कत वाली। अरे रेट इंटू टाइम निकाल लो आप, तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रही होगी, ये देखो ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही होगी, ये जो राशि है 625 है, तो एक तरीके से हमने क्या किया, 100 लिख दिया नीचे और ये कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना। एक काम करो, रेट इंटू टाइम कर लेते हैं, रेट इंटू टाइम ही कर लेते हैं ना, रट्टा ही खत्म करेंगे, क्योंकि 6 × 12 हो जाएगा कि आर इंटू टी करेंगे, जब क्या करेंगे आर इंटू टी करेंगे तो ये 6.2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की है, तो ये क्या होगा 6 × 12, तो 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, यानी कि कोई राशि 9 से 8 हुई होगी, 9 से 8 हुई होगी, क्योंकि वही चलेगा यहाँ पर, तो ठीक है ठीक है। और ये क्या हो गया 9 से 8, तो बस इसमें निकाल लो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली, या तो ये 4,000 की राशि पर निकाल लो, 4,000 की राशि पर क्या निकलेगा यहाँ पर आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही कर लो, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, उसमें क्या है 12.5% है, तब भी तो वो 1/8 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ रहा है 508/9, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 12.5% 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 8×5=40, 500 आ तो रहा है सीधे, 500 ऐड कर दो उसमें, इतना क्या सोचना है, 500 4,000 की राशि में 4,500 आंसर होगा इसका, यही आंसर था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये क्या होता है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या होता है इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन थे। थैंक यू इन्वेस्टर, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, थोड़ी थोड़ी अटक जाता हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप करते रहें। थैंक यू इन्वेस्टर।